घूमेंगे जू। बच्चों तो आज हम पिकनिक के लिए जू जाएंगे। बच्चों जू बहुत बड़ी जगह होती है, इसलिए कहीं खो मत जाना इधर उधर। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करना खतरनाक हो सकता है दोस्त। माफ कीजिएगा। अरे वो देखो पेंगुइन। अरे भाई वो पेंगुइन आ रही है। इतनी फोटोज लेने की क्या जरूरत है? आज मैं ज्यादा से ज्यादा जानवरों की फोटो लेना चाहती हूँ। हमारे बच्चों की भी फोटोज ले लेना। बच्चों आओ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेंगुइन्स की नकल उतारो। हेलो दीदी, मैं एक पेंगुइन हूँ। मैं आपके इलाके में नया आया हूँ। मैं कहाँ घूमूं? अरे शिनचान क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो शिनचान? माफ कर दीजिएगा। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें प्रिंसिपल सर के साथ ही रहना पड़ेगा, समझ गए तुम? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ये इतनी शरारतें क्यों करता है? देखो ये है जिराफ। इतना लंबा है, बहुत प्यारा है। मैम की हाइट जिराफ से छोटी है। क्या कह रहे हो तुम? शिनचान मेरी हाइट तो तुम जिराफ की हाइट से कंपेयर कर रहे हो। एचियो मैम, बच्चों की भी फोटो ले लीजिएगा। तुम्हें पता है शेर कितना ताकतवर होता है? प्रिंसिपल सर। वो प्रिंसिपल सर की आंखें देखकर शर्मा कर भाग गए। ऐसा नहीं होता है शिनचान। सुनो सब बच्चे, चलो बकरियों को स्नैक्स खिलाते हैं। ये लो खाओ। अरे खा लिया, कितनी प्यारी है। लगता है उसे भूख लगी है। ये मेरा लंच है। छोड़ो, ये मेरी दोस्त का लंच है। अरे शिनचान जरा संभल के। तुम्हारा शुक्रिया। शिनचान जैसा भी हो लेकिन अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। सुनो हम अपना लंच शेयर करने को तैयार हैं। शिनचान तुम ये क्या कर रहे हो? बस अब तुम्हें अपने लंच को लेकर सावधान रहना होगा। हाँ, मुझे तो तुमसे भी सावधान रहना होगा। अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। तारीफ नहीं कर रहा, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी। मैं तो राइस बॉल लाया हूँ। सही कहा मसाओ, तुम्हारा चेहरा एक राइस बॉल जैसा ही है। मैं अपनी नहीं लंच की बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो फ्राइड राइस है। और मैं लाया हूँ सैंडविच। क्या करेंगे? क्या तुम मुझे इस गाजर के बदले अपना सैंडविच दोगे कदामा? नहीं मैं नहीं दूंगा, तुम अपना खाओ जो तुम लाए हो। मेरी मॉम ने ये करारा बनाया है खास मसालों के साथ। तो मैं क्या करूँ, तुम खा लो ना। ये तुमने खा लिया, ये सैंडविच मेरे लिए था शिनचान। गजामा मैं तो यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब मेरा सैंडविच असली। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। मैं जाकर जल्दी से मदद के लिए किसी को बुलाकर लाती हूँ। हाँ जल्दी कीजिए। ये आखिर कर क्या रहा है? ये तो टेस्टी है। अरे तुम मेरा सैंडविच खा रहे हो? कसम मैं अपनी माम को बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत टेस्टी सैंडविच बनाया है। रहो शिनचान। मैं जब से इसे देख रहा हूँ ये बिल्कुल शिनचान जैसी हरकत ही कर रहा है। ये मंदिर तो खजाना जैसा लग रहा है मुझे। सही कहा, बिल्कुल भी नहीं है। अरे ये तो मैं ऐसे नहीं सोता हूँ, समझ गए? अरे तुम भी सो गई। अरे बच्चों बंदरों के पास मत जाना ज्यादा। सर हम यहाँ हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं। अरे ये बंदर तो तुम्हारी तरह ही दिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है माम। लेकिन उसके जैसे मेरे फर नहीं है। अरे दोस्तों ये लोग तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हमारी सुनना और ना समझ बच्चों से मत करो। किकी उनके पास हमारे जैसे अच्छे फर नहीं है। किकी मुझे इंसानों से डर लगता है। कि तुम तो बहुत ही डरपोक हो। अच्छा तो तुम सब यहाँ पर आ गए हो। तुम्हारे कमरे की सफाई हो रही थी और तुम सब वहाँ से भाग गए। किकी रुक जाओ, ये
अब क्या करें? उन्हें जल्दी पकड़ना होगा वरना मुसीबत हो जाएगी। हाँ ठीक है। ये क्या, मेरा लंच कहाँ गया? हमारे बैग भी। वहाँ देखो। मेरा बैग वापस करो, ये मेरा बैग है। ये बंदर आखिर कर क्या रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सब लोग वहाँ देखो। कमाल की है। सही कहा। ये वक्त इनकी तारीफ करने का नहीं है। वो हमें देख रहे हैं कीकी। ये यहाँ नहीं चढ़ सकते हैं कीकी। क्योंकि वो हमारी तरह बंदर नहीं, मामूली इंसान है। मामूली इंसान क्या होता है कीकी? देखने में तो खाना अच्छा लग रहा है कीकी। मेरा बैग उनके बहुत अच्छा लग रहा है की। बनाना भी कोई डिजर्ट है नैनी? हाँ पता है, मैं खाने के बाद बनाना को डिजर्ट मान के खाती हूँ। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बनाना तो एक स्नैक होता है। हाँ मेरे घर में इसे स्नैक के तौर पर ही खाते हैं। हाँ अगर इसे छील कर लंच बॉक्स में रखा जाए ना तो ये डेजर्ट बन जाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सही वक्त है ये सब बातें करने का। इंसान कितने बुद्धू होते हैं ना किकी। देखो हम भाग निकले और इन्हें पता भी नहीं चला किकी। तुम बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हो। हमें बंदरों से दूर चले जाना चाहिए। ये कहानी अब आगे बढ़ेगी। वो बंदर अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे रुक जाओ, इतने बड़े जू में यहाँ वहाँ घूमोगे तो खो जाओगे बच्चों कहीं पर। हाँ हमें वो यहाँ के स्टाफ पर छोड़ना होगा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा ब्रांडेड बैग वो बंदर ले गए जो बहुत महंगा था। कितना बोलता है? और मैम जानते हो वो मेरा फेवरेट रैबिट बैग है। ठीक है। और मैम वो बैग से निकाल के मेरा बनाना भी खा गए और मुझे मेरे स्नैक्स चाहिए। अगली बार मैडम का नाम बोलूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बच्चों सब लोग अपना ध्यान रखना। हमने कह तो दिया लेकिन बंदरों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता। क्या तुम्हें मिले? एक हासिल है जो पहले डैमा रिवर के पास रहता था। हाँ मुझे याद है शिनचान। डैमा चैन, डैमा चैन। तुमने ऐसा क्यों करवाया? वो डैमा नदी से आया है इसलिए मैंने सोचा उसका नामकरण कर दूँ। अरे ये क्या है? ब्रेड का टुकड़ा दिखता है। टुकड़े उस पेड़ तक दिख रहे हुए हैं। हाँ सही कहा। ये ब्रेड ही है। ये क्यों खा रहे हो? चलो चले। अरे रुको तो शिनचान। अरे ये तो मसाओ है। उसे मसाओ क्यों कह रहे हो? तो मसाओ पार्ट टू बोलू? ये कैसा नाम हुआ? मेरे हिसाब से तो मसारू बेहतर रहेगा। नहीं इसका नाम रखते हैं टमाटर। अरे नाम से तो घर में मुझे प्यार से बुलाते हैं। मेरा हाई क्वालिटी वाला बैग इन बंदरों ने खराब कर दिया। बोलो ऐसा क्यों किया? अरे रुको। मेरा बैग। अरे वो तो दूसरे जानवर के पिंजरे में जा रहा है। किकी ये भागकर छुपने की कोशिश कर रहा है, डर भी रहा है, बिल्कुल मसाओ जैसा है। ये मेरे जैसा नहीं है। अरे ये पिंजरा तो इसके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ? क्या कहा खतरनाक हो सकता है? पकड़ लिया, शांत हो जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मैं अब समझा, जब हमारा चेहरा एक जैसा होता है तो कैरेक्टर भी एक जैसा होगा। हाँ शिनचान जैसा दिखने वाला बंदर भी शिनचान की तरह ही करता है। मेरी इतनी भी तारीफ मत करे। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ। चलो देखते हैं कि बंदर भी हमारी जैसी सोच रखते हैं क्या। मैं सब की बात कर रही थी। ठीक ठाक ही है बस। हाँ और वो बंदर भी जल्दी रो पड़ता है, रोते वक्त वो भी बिल्कुल राइस बॉल की तरह लगता है। मेरा मंकी पकड़ा गया इसलिए मेरे बारे में बोल रहे हो? यहाँ ढूंढना कैसा रहेगा? ये तो रैबिट कॉर्नर है। ठीक है एक बार कोशिश करके देखते हैं। नैनी वाले बंदर को भी रैबिट पसंद होंगे। सुनिए सर। हाँ? एक बंदर अचानक से रैबिट हाउस में आ गया। मुझे लगता है कि ये बंदर नैनी जैसा ही होगा। क्या तुम्हें कुछ मिला? ये तो अजन चैन है जो अजन नदी के पास रहता है। तो हम उसे क्या बुलाएंगे? वन टू आजा जा। अरे नहीं
मामा उसे आवाजें लगाना बंद करो। बाकी बंदर कहाँ मिलेंगे? बाकी का तो पता नहीं, पर मुझ जैसे बंदर को ढूंढने के लिए बहुत ही दिमाग की जरूरत होगी। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वो मेरे जैसा है और वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा, दुनिया में लड़ना और जीना जानता होगा। समझ में आया? कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अरे बच्चों मेरी बात सुनो, एक बंदर अपनी जगह पर वापस आ गया है। पता है बच्चों, ये छोटा सा बंदर अपनी माँ का बहुत लाडला और प्यारा है। अरे ही, वो मैं नहीं हो सकता। वो दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन मैं नहीं, माँ का प्यारा है। हाँ, वो बंदर की बात है। कोई बात नहीं करता मैं, तुम एक मम्मीज बॉय हो। मैं मम्मीज बॉय नहीं हूँ। अरे तुम लोग यहाँ हो? मैं मम्मीज बॉय बिल्कुल भी नहीं। अरे लड़ो मत, आखिर बात क्या है? क्योंकि चिंचन मुझे मुँह में। शांत हो जाओ कजामा, मैं आपकी बात सुनू कजामा। मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या बोल रहे हो? मैं बहुत थक गई हूँ और कंधों में भी दर्द हो रहा है। अरे वाह, अच्छा लग रहा है मसाज कर रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। चलो जल्दी नीचे उतरो, परेशान मत करो। चिंचन तुम बहुत भारी हो। दिखने वाले बंदर को तो पकड़ लिया, अब भोजन वाले बंदर की बारी। लेकिन भोजन है कहाँ? भोजन कहाँ गया? भोजन सब मेरी गलती है, कहाँ जा सकता है? क्या ये तुम्हारा है? अरे भोजन कहीं खो गया। चलो अलग अलग जाकर उसे ढूंढते हैं। हम सेंटर में जाकर बताते हैं कि बच्चा कहीं खो गया। हाँ, चलो चलो हम भी उसे ढूंढते हैं। उसमें कैसे हो सकता है शिनचैन? वो कहीं नहीं मिल रहा है। सुनो, हमें भोजन की तरह सोचना होगा और समझना होगा कि वो कहाँ जा सकता है। क्या कहा उसकी तरह? ये तो दोस्त बन गए, ये तो भोजन की जुड़वा भाई जैसा ही।